We did phase one last week, and if you have been following along, then you must have done phase one for the entire 7 days. Now, if you haven't, thank you, Anam. If you haven't done it, then you need to go back to phase one, and you will locate this video on my IGTV. आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, अदनान हेल्थ कोच पे, मेरे IGTV के अंदर ये वीडियो पड़ी हुई है. यू सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू मिस फेज वन बिकॉज वी आर टेकिंग ए फेज्ड और अ प्रोग्रेसिव और अ साइंटिफिकली प्रूवन अप्रोच टूवर्ड्स इंटरमिटेंट फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान एंड बियॉन्ड. नाउ आई एम श्योर दैट यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग. इफ यू हैवंट देन ट्रस्ट मी, इट इज अ गेम चेंजर. आप लिटरेचर में देख सकते हैं, इट हैज वर्क फैंटेस्टिकली फॉर मी, एंड आई एम श्योर दैट इफ यू डू इट द राइट वे यू विल गेट रिजल्ट्स एज वेल. आई कैन सी, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, इफ यू बिन वॉचिंग मी फॉर सम टाइम, बट आई नो हर इंसान को अपना पता होता है कि मैंने अपने आप को 16 घंटे इस वक्त जो मैं फास्टिंग कर रहा हूँ उससे मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है. नाउ दिस इंटायर कैंपेन, टू बी ऑनेस्ट, इज टू टेल यू दैट देर इज ए साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड देन देर इज द झटका वे ऑफ डूइंग थिंग्स विच मोस्ट पीपल अनफॉर्चुनेटली जम्प इन टू. कि फास्टिंग का पता लग गया है कि उसके अंदर का कुछ घंटे खाना नहीं है तो अच्छा फाके मार लो, और फिर जो ईटिंग विंडो है उसमें जो नजर आए वो हावड़ा पड़ेगा, जो मिलता है वो खा जाओ. दैट्स नॉट वॉट दिस इज. देर आर प्रोटोकॉल्स एंड देर इज साइंस बिहाइंड इट. सो इफ यू फॉलो अलॉन्ग नाउ डूइंग फेज टू, बट इफ यू हैवन गो टू फेज वन, डू इट फॉर अ कपल ऑफ डेज, डोंट मिस द प्रोटोकॉल, देन जम्प इन टू फेज टू. ये वीडियो यहीं पे पड़ी रहेगी, लेकिन सिंस इफ यू आर हेयर देन यू माइट एज वेल टेक नोट्स सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड वेन योर फेज वन एंड्स. ठीक है. नाउ वन अनाउंसमेंट हेयर इज वेल, ये जो सारी चीजें मैं निकाल रहा हूँ, ये मेरे जो ऑनलाइन इंटरमीडिएट फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान कोर्स है, ये उससे मैंने ली हुई है. आई बिन डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च, एंड वट आई वॉन्ट फ्रॉम फॉर यू इज दैट यू गेट दिस कोर्स इफ यू वॉन्ट टू, एंड देन यू सी द साइंस एंड यू सी द सेम थिंग्स हाउ आई हैव लेड इट आउट. ताकि हमारा मकसद क्या है, रमजान की आप तैयारी नहीं करते, पिछले साल भी नहीं की थी और उससे पिछले सालों में नहीं की थी, उसका डिसएडवांटेज पहले सुन लें. उसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आपने बगैर प्रेपरेशन के अपनी बॉडी और मेटाबॉलिज्म को तैयार किए बगैर जंप इन किया, तो रमजान तो आपका मुश्किल गुजरेगा ही. आई सी सो मेनी पीपल विद लेथार्जी, विद लो एनर्जी, विद अ हेयर फॉल, एंड प्रोबेबली द वर्स्ट पार्ट इज देयर हेल्थ डजंट गेट एनी बेटर. इनफैक्ट इट गोज फ्रॉम बैड टू वर्स. देयर थायरॉयड टेक्स अ हिट बिकॉज यू आर सडनली नॉट ईटिंग फॉर 16 आवर्स. योर बॉडी वॉज नेवर यूज टू इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट हॉर्मोन इम्बेलेंस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और वेट रीगेन के तो चांसेस बढ़ते ही हैं. लिटरली आई हैव ऑब्जर्व पीपल इन द 10-15 डेज और 20 डेज दैट फॉलो आफ्टर रमजान, वो जो ईद की छुट्टियां एंड ऑल ऑफ दैट हैपनिंग, पीपल गेनिंग हाफ ऑफ द वेट और इवन 75% ऑफ द वेट बैक दैट दे लॉस्ट विद सो मच ऑफ एफर्ट इन रमजान. तो आई नो इफ यू वॉचिंग दिस ब्रॉडकास्ट यू वॉन्ट रिजल्ट, एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल रमजान इज एन एक्सक्यूज टू गेट स्टार्टेड. एंड यू नो इन माई प्रीवियस ईयर्स आई यूज टू से दैट इज अ बैड थिंग, बट नाउ आई से इट्स अ गुड थिंग. सो वी आर गोइंग टू डू थिंग्स द राइट वे इन रमजान, सो आर बॉडी इज प्रिपेयर्ड, सो आफ्टर वन रमजान एंड्स वी कैन अडॉप्ट अ फास्टिंग लाइफ स्टाइल. इट्स अ विन विन सिचुएशन. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. एंड इफ यू हैव योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, दिस इज अ फ्री कैंपेन, उनको भी अंदर डालो, ताकि जितने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ करोगे उतनी तुम्हें सपोर्ट मिलेगी. ठीक है. सो लेट्स, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स गेट इन टू द मीट मीट एंड पोटेटोज ऑफ दिस, कि हमने करना क्या है. नाउ पिछले फेज में आपने मिनी फास्टिंग की थी. यू वर गोइंग फ्रॉम वन मील टू द अदर विदाउट स्नैक्स, एंड यू वर गिविंग योर बॉडी अबाउट 4 to 6 आवर्स विद नो ईटिंग. इन फेज टू यू आर डूइंग ए 12 आवर फास्ट. दैट इज द की डिफरेंस हेयर.
And what happens with phase two, the 12-hour fast, is that you will take this 12-hour from your dinner time, and that is going to be the last meal of the day. So the previous day you had dinner, fast forward 12 hours, that's going to be your first meal. So this is phase two. Now, few things you want to keep in mind before I talk about the diet. मैं आप लोगों को जो information दे रहा हूँ उसको लिखते जाएं, और if you can't then just memorize it. The point is, don't skip the parts, because each and every aspect of these guidelines is scientific and needs to be practiced. Now, your dinner, let's say, dinner is supposed to be within 3 hours of you sleeping. Okay? So let's say you go to sleep at 12, or raat ka, yani sleep time ka matlab ye nahi ki aap sone ke liye chale gaye hain. Sleep time ka matlab hai ki aap so jate hain 12 baje. ठीक है, तो यू कुड बी गोइंग इन टू योर बेडरूम, बट यू कुड बी लाउंजिंग अराउंड वॉचिंग योर लुकिंग एट योर फोन और वट एवर यू डू, तो हो सकता है कि घंटा वहाँ पे ज़ाया हो रहा हो. वी डोंट वॉन्ट दैट. सो यू वॉन्ट टू फर्स्ट डिटर्मिन, आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो कि मैं इतने बजे सो जाता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, और वहाँ से 3 घंटे पीछे, लेट्स से यू स्लीप एट 12, सो योर डिनर टाइम इज 9 PM. फास्ट फॉरवर्ड 9 PM इज 9 AM. 9 बजे सुबह, इससे पहले आप जिस टाइम पे भी उठते हैं, चाहे आप 6 बजे उठते हैं, यू आर नॉट सपोज टू हैव एनीथिंग बिफोर दैट. ओनली ड्रिंक्स विच आई विल डिस्कस विद यू एज वी व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लान. सो दिस इज फेज टू, द बेसिक गाइडलाइंस. नाउ ऑल्सो, इफ यू समबडी हुज गॉट थायराइड, इफ यू नो अबाउट इट, और इफ यू हैव सिम्टम्स, आई वुड रिकमेंड फर्स्ट गेट अ टेस्ट डन, गेट योर लैब्स राइट, बिकॉज if you have thyroid and if you're going for intermittent fasting, you might want to do it smartly. So I would just recommend that apne test agar aapne karaye mein, if you've ruled out, then all you have to do is, instead of doing this, you know, these phases for 7 days, inke andar do do teen teen din aur aap add kar le, aur aapki dietary changes kuch aur hoenge. But you know, since this broadcast is not for thyroid patients, सो मैं उनको एक्सक्लूड कर रहा हूँ. आपने अपने डॉक्टर से मशवरा आपने करना है, और आप अपनी कंसल्टेशन भी कर सकते हैं. गेट योर टेस्ट डन, कॉन्टैक्ट माई ऑफिस, इसके अंदर नंबर होएगा एंड दे विल वॉक यू थ्रू. बट जिस तरीके से कोई भी चीज़ करनी है, उसको तरीके से करना है. ठीक है, अब आपका जो मैं इसकी फेज टू की गाइडलाइन बना रहा हूँ, एक तो ये कि दिस इज गोइंग टू बी इंटरमिटेंट, विच मीन्स 3 days ऑन 4 days ऑफ. 3 days you're doing a 12-hour fast, and the remaining 4 days you are not fasting. That those are your regular days, and the days in which you are fasting, you have a 12-hour fasting window and a 12-hour eating window. और जो आपकी 12 घंटे की eating window है, उसके अंदर भी आप वही phase one वाला discipline maintain कर रहे हैं, which is 3 meals, no snacks in between. ठीक है, so this is our game plan. अब मैं आपको meal breakdown देने जा रहा हूँ, और mind you, ये phase भी 7 से 10 दिनों का होएगा, उसके बाद हम phase 3 पे चले जाएंगे. Now I'm giving you the basic guidelines for what you're supposed to do in the fasting window. In the days that you are fasting. आपका पहला meal 9 बजे शुरू हो रहा है. In this particular case, हमने जो example लिया है, इसके अंदर आप gluten free, which is going to be a problem for you, but I've been talking a lot about it, so I need you to start accepting that gluten is a problem for a lot of people. Kabhi kabhi aap kha le to that's fine, lekin har waqt khana is not good for you. You're not doing yourself a favor. Now if we talk about gluten free bread, because for most people as Pakistanis, hamara nashte ka ek set pattern hai, जो कि टोस्ट है या अंडा है या सीरियल है. सीरियल तो वैसे ही आउट है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट एग्स. नाउ अबाउट 2 to 3 होल एग्स, 2 अंडे हो सकते हैं, बिकॉज आई नो 3 पे आप फ्रीक आउट करते हैं. सो 2 eggs होल जर्दी के साथ, प्रेफरेबली ऑर्गेनिक, प्रेफरेबली. अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं. ऑयल, एंड दिस हैज टू बी देसी घी, or it has to be olive oil, or it has to be makhan. Try to avoid the oils that are being used, jo corn or canola oil hai,
too much of omega 6 and omega 9, which is adding to the inflammatory properties of foods, and we don't need inflammatory foods, especially when we are preparing our body for intermittent fasting and we're doing it the right way. So, ye aapne अंडे आपने ऐड कर लिए, इसको आप किसी तरीके से बना लें, पाकिस्तानी ऑमलेट बना लें, फ्रेंच बना लें, इंग्लिश बना लें, व्हाटएवर यू वांट टू डू गो अहेड एंड डू इट, या सिंपली फ्राइड एग्स रहने दें. उसके साथ अगर ग्लूटेन फ्री ब्रेड लेना है तो एक से दो छोटी स्लाइसेस होती हैं ग्लूटेन फ्री ब्रेड की. आई हैव बीन टोल्ड अ लॉट ऑफ पीपल से दैट दे डोंट फाइंड ग्लूटेन फ्री ब्रेड और दैट इज एक्सपेंसिव, तो देन योर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज कि आप वो सीटी साइज पराठा कर लें. वो इतने साइज के दो पराठे होंगे और वो उनके अंदर भी यही ऑयल डलेगा. अब सवाल ये बनता है कि वो आटा कौन सा होएगा. वो ग्लूटेन फ्री आटा हो सकता है, वो मकई का आटा हो सकता है, वो बाजरे का आटा हो सकता है. ये तीन मेरे माइंड में आते हैं जो ग्लूटेन फ्री है. अदरवाइज इसके अलावा फिर सब्जियां हैं, वो ऐसी चीज़ें जो शायद आप, या राइस है जो आप नाश्ते में ना खाना चाहें. सो दिस इज़ प्रॉब्ली योर बेस्ट बेट. एंड देन इसके साथ आपने कुछ हैंडफुल नट्स ले लिया, अबाउट 5-6 आलमंड्स ले लिए, एंड यू गुड टू गो. इस 9 बजे के से पहले अगर आप जल्दी उठ जाते हैं, एंड इफ़ यू वांट एनर्जी, देन यू वांट टू हैव एन अमेरिकानो, व्हिच इज 1 टीस्पून इन अ ग्लास ऑफ वाटर. आई एम हैविंग अमेरिकानो राइट नाउ, एंड जस्ट ऐड 1 to 2 teaspoons ऑफ MCT ऑयल. ये आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल है. और इससे पहले अगर आप जो इसमें ऐड करें, पानी लें, उसके अंदर 1 to 2 teaspoons एप्पल साइडर डालें, थोड़ा सा नींबू निचोड़ें, और 1/2 teaspoon इतना सा पिंक सॉल्ट डाल लें, एंड दिस ड्रिंक शुड बी हैड 1 to 3 times ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज ऑफ द anti-inflammatory properties, this is going to help you a lot. ठीक है, तो ये आपका pre-breakfast भी हो गया मामला, आपका breakfast का भी हो गया. Coming to the second meal, which is about 4 to 5 to 6 hours down the line, और दरमियान में अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो beef या mutton की यखनी है, chicken की यखनी नहीं है, and that's about it. So come second meal is again very simple. You are having अब मीडियम साइज पोटैटो या शकरकंदी ले लें, उसको बॉईल कर लें, बेक कर लें, वट एवर यू वांट टू डू. इस मील वही आप दो डिस साइज का हिसाब रख सकते हैं. मेक श्योर यू ऐड 2 tablespoons ऑफ ऑलिव ऑयल एंड अबाउट 8 to 10 ऑलिव्स. दैट इज ऑप्शनल, कभी कभी डालें, कभी कभी ना डालें. और मैं यूजुअली ये ऑलिव्स और नट्स जो है ना वो सैलड के अंदर ऐड कर लेता हूँ. एक बोल मिक्स ग्रीन सैलड लिया, उसको टॉस किया, विनेग्रेट और ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग बनाई, उसके अंदर 2 चम्मच डाले, थोड़े से नट्स उसके अंदर डाल दिए, थोड़े से ऑलिव्स उसके अंदर डाल दिए. अगर थोड़ी सी चीज़ डालनी है तो वो थोड़ी सी डाल ली, डेरी इज नॉट अलाउड, बट टेस्ट के लिए थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो ये आपकी एक मिक्स ग्रीन सैलड बन गई. और जो प्रोटीन की साइड है, वहाँ पे 100 to 150 grams का बोनलेस मटन या बीफ के कबाब बना लें, टिक्कियाँ बना लें, शामी बना लें, या सिंपली आप कोई ग्रेवी के साथ कोई चीज़ करना चाह रहे हैं वो कर लें आप. इट्स ऑल योर चॉइस. ठीक है, सो मैंने आपको ये बेसिक गाइडलाइन दे दी, और ये मैं उसी ऑनलाइन कोर्स में से निकाल के आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो कि जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली हर चीज़ लिखी हुई मिल रही है. सो दिस इज़ योर मील नंबर 2. You can have rice. If you want to have rice, you can have about 5 to 6 cooked heaped tablespoons of cooked rice. That is going to help you. Uske baad ye aapka meal ho jata hai. Then agar aapko is meal number 2 aur meal number 3 ke darmiyan bhook lagti hai, jo ki lagegi, but aapko thoda sa bardasht karna padega, thoda sa khana padega, to uske andar aap dobara yakhni le sakte hain. Or you can add again 1 small americano with 1 to 2 teaspoons of MCT oil, or you can have 1 level tablespoon of peanut butter. You should be good to go. Meal number 3 is almost like meal number 2, but the only difference that yahan pe aapki cooked sabziyan aa rahi hain, jis tarah gharon mein sabziyan pakate hain aur jis tarike se pakate hain wo amal to acha hai, lekin jo actual nikalta hai na us cooking method se, wo jali hui gali hui nuchdi hui sabzi wo nahi chahiye jo aapne, sorry to say, गंदे तेल में बनाई हुई है. आई स्टे क्लियर ऑफ दीज ऑयल्स. यू वॉन्ट टू मेक दीज वेजिटेबल्स इफ़ यू वॉन्ट हैव दैम, इनको
लाइट सी आग पे पकाएं ताकि थोड़ी सी खड़ी खड़ी सब्जी रहे, उसकी न्यूट्रिशन तो रिटेन करने दें। हमारा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी तरीका पता क्या है, बस उसके अंदर सब्जी लो, तेज आग पे बनाओ और उसके अंदर मसाले ढेर सारे डाल दो, जो पैकेट वाला मसाला है, इज द वर्स्ट थिंग यू कैन हैव, और उसको ओवर कुक कर दो। हर सब्जी का एक ही रंग होता है, काले रंग की होती है, ठीक है? या तो टमाटर से हल्का सा लाल होएगा, लेकिन भिंडी भी काली होएगी, शलजम भी काला होएगा, कद्दू भी काले होएंगे, यू नो वी डोंट वांट दैट। सो इस डिनर में आपने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून आपने सब्जी के डाली है, या आप इसकी जगह दाल ले लेंगे, ठीक है? सो दीज आर ऑल आइटम्स दैट यू कैन रिप्लेस। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट वॉन्ट गो फॉर राइस, यू गो फॉर द ग्लूटेन फ्री रोटी। इफ यू डोंट वॉन्ट दैट, देन यू गो फॉर पोटेटो। तो ये आप चीजें चेंज कर रहे हैं। और जब आप पोटेटो लें तो उसके अंदर आप मैं अपने मेरा पसंदीदा है कि मैं सेसमी सीड्स और पम्पकिन सीड्स, जिसको हम उर्दू में शायद चारे मगज भी कहते हैं, ये मैं 1-2 टेबल स्पून लेके फ्राई पैन में डाल के इसको हल्का सा रोस्ट कर लेता हूँ, दे टेस्ट फैंटेस्टिक। तो मैं इसको ड्रिजल कर लेता हूँ सैलड के अंदर या पोटेटो के अंदर, ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल दिया, यू नो इट मेक्स अ नाइस टेक्सचर, टेस्ट गुड, एंड इट इज एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू फॉर योर मेटाबॉलिज्म एंड फॉर योर बॉडी। तो ये आपके वो 3 मील्स हो गए हैं। जहाँ तक बेवरेजेस की ताल्लुक है, पानी का ताल्लुक है, तो वो भी आप सुन लें। यू आर अलाउड अबाउट 2 कप्स ऑफ टी, विच कैन नॉट बी दूध पत्ती, इट हैज़ टू बी सेपरेट। इफ यू आर हैविंग कॉफी, अमेरिकानो, आई जस्ट टोल्ड यू अगेन 1 to 2 कप्स विद एमसीटी ऑयल। चाय ले रहे तो उसके अंदर भी एमसीटी ऑयल डाल लें, बट इट डजेंट रियली गो वेल विद इट, बट इट्स अ पर्सनल चॉइस एट द एंड ऑफ द डे। ग्रीन टी आप 2 से 3 कप एडिशनली ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। मेक श्योर योर वाटर इनटेक इज अबाउट 8 to 12 ग्लासेस a day, एंड दिस डज नॉट इंक्लूड बाय द वे जो मैंने आपको जो कंकॉक्शन बताई है एप्पल साइडर विनेगर की, यू नो, सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। ये हर छोटी छोटी चीज का अपना एक वेट है, सो मेक श्योर यू फॉलो दैट, बिकॉज जब आप छोटी छोटी चीजों को फॉलो करेंगे, दैट्स वे यू विल गेट योर रिजल्ट, ठीक है जी? सो दैट टेक्स केयर ऑफ द इंटायर मील प्लान। दिस फेज 2 इज गोइंग टू बी फॉर अगेन 7 to 10 डेज, उसके बाद हम फेज 3 शुरू करेंगे, और दिस टेक्स केयर ऑफ what you need to do in this phase. Now, as I end this session, can I request you to follow the guidelines? Can I request you to make sure that you are following the procedure one step at a time? हर चीज को तरीके से करने से ही रिजल्ट मिलता है, and trust me, for a lot of people, they don't take ownership of what they're eating. Cook को बता दिया, बस ठीक है, सोफे पे मरे बैठे हुए हैं, एनर्जी है नहीं, और कुक ने जो ला के सामने रख दिया वो आपने खा लिया। दैट्स नॉट द वे टू गो, यू नो आई एम अ गाय, आई एम इन पाकिस्तान, यू नो दैट दैट लोकल मेंटेलिटी के बंदे किचन में नहीं जाते। टू बी ऑनेस्ट, आई गो देयर, आई मीन माई वाइफ हेल्प्स मी अ लॉट, शी मेक्स ऑल द फूड, बट आई ट्राई टू हेल्प एज वेल, बिकॉज आई वॉन्ट टू ऑल्सो सी कि क्या बन रहा है, ताकि मैं खुद अपने आप को एजुकेट कर सकूँ। बिकॉज इफ यू डोंट टेक ओनरशिप, नथिंग्स गोना हैपन। सो टेक ओनरशिप, अ लॉट ऑफ पीपल मिस आउट ऑन दीज इंग्रीडियंट्स। कोई चीज, कोई फूड ग्रुप आप स्किप करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यू प्रॉब्ली एंड अप टायर्ड और क्रैंकी, और यू लूज लॉट लीन मसल, और एनी ऑफ दोज नेगेटिव साइड इफेक्ट्स विच वी डोंट वॉन्ट। सो गाइज, दिस टेक्स केयर ऑफ द इंटायर प्लान। आई होप दिस हैज सर्व यू। लेट मी नो योर थाट्स एंड क्वेश्चन एंड कॉमेंट्स, ताकि फिर मैं आपके साथ अगला वाला जो प्लान है वो भी फिर हम तरीके से करेंगे, ठीक है जी? सो लेट मी नो, and then we will take it forward. So thank you very much for your time. I hope this has helped you, and I hope that this Ramzan is going to be different. You are also aiming for a fasting lifestyle after Ramzan. Thank you very much, guys. We'll be in touch. Allah Hafiz.